सतना पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। नेशनल हाईवे में लूट करने वालों को सतना पुलिस ने गिरफ्तार कर खुलासा किया है। कई गिरोह मिलकर दे रहे थे घटना को अंजाम। विगत दिनों अमरपाटन बायपास में एक ट्रक चालक के साथ 14,000 रुपयों की लूट करने की शिकायत अमरपाटन पुलिस को मिली थी, जिसके बाद तत्काल सतना पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल के निर्देशन में टीम गठित कर अलग अलग जगह से आरोपी को धर दबोचा। आरोपियों के पास से दो चोरी की मोटरसाइकिल समेत लूट की रकम और लूट में काम आने वाले हथियार के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग गिरोह लूट की घटना को अंजाम देते थे। नेशनल हाईवे में जो ट्रक खराब होने के कारण हाईवे पे खड़े रहते थे, उनसे ये लूट किया करते थे। वारदात रात के करीब 12 से 2 के बीच अंजाम देते थे। देखिए, बहुत दिनों के बाद में सतना जिले में, खास करके हमारे जो जबलपुर इलाहाबाद हाईवे है, उसमें ट्रक ड्राइवरों से लूट की शिकायतें कंप्लेंट से डायल 100 में आ रहे थे। एक घटना अमरपाटन में हुआ, जिसमें 14,000 रुपये ट्रक वाले को डंडा मारने के बाद लेके गया था। तो जब ये शिकायत आई, हमारे पूरे टीम क्राइम साइबर के और थाने के जो पूरे टीम है, हमने इसमें लगा दिया। तो आज खुशी की बात है कि सतना पुलिस को सफलता मिली है। 3 गिरोह को एक साथ पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें से 2 गिरोह जो हाईवे में लूट में सम्मिलित था, उसमें अमरपाटन मैहर देहात मैहर थाने के 4-5 अलग अलग मामले जो है, उसमें गिरोह जो ऑपरेट कर रहा था, 2 गिरोह जो ऑपरेट कर रहा था, उनको पकड़ लिया पुलिस ने। इसमें एक संदीप चौरसिया और उसके साथ में उसके साथी 4 लोग, और एक दूसरा जो है नारायण सिंह और उनके साथी एक और व्यक्ति, इन 2 गैंग को हाईवे लूट में पकड़ लिया पुलिस ने। इनसे करीब 5 मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की है, जो वारदात में अलग अलग वारदात में इन्हें यूज़ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।